देखिए, हम जुबेल और दम्माम के हाईवे पे हैं और हम इधर से अभी जाएंगे खोबर, और फिर मैं वहाँ का आपको बताऊंगी कि क्या क्या है वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदराबादी तड़का। आज हम किसी रेसिपी के लिए नहीं आए, आज हम व्लॉगिंग करेंगे। मैं आपको खोबर एक्सप्लोर करूँगी, आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए, और आपके सपोर्ट से ही हमें हिम्मत है। तो चलिए फिर, स्टे ट्यून्ड। ये देखिए, ये है इथरा बिल्डिंग और हम खोबर के बहुत करीब है, और फिर वहाँ जाके मैं आपको और अच्छी चीज़ें बताऊँगी। और हम आ चुके हैं खोबर कॉर्निश, अब देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है। ये है वाटरफॉल, ये बहुत ही पुराना है और आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। और ठीक मेरे पीछे यहाँ पे झूले लगे हुए हैं ताकि बच्चे इंजॉय करें और बड़े भी अपना टाइम स्पेंड करें। यहाँ पर विंटर्स में बहुत ज़्यादा इंजॉय होता है, हमारे बचपन की मेमोरीज है। यहाँ पर बारबेक्यू करते थे, मेरे अब्बू रात पर बारबेक्यू के लिए प्रिपेयर करते थे। और वहाँ पर खोबर का वाटर टावर है, आप देख सकते हैं, मैं जूम करती हूँ, ये रहा। और ये मेरे पीछे वाटर फाउंटेन है और बहुत अच्छी प्लेस है फैमिली के साथ इंजॉय करने। आप ज़रूर आइए यहाँ पे अपनी फैमिलीज के साथ, आपके बच्चे आपके बड़े सारे इंजॉय करेंगे यहाँ पे। और यहाँ से हम दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, और यहाँ पे वाटर पाउंड भी है, यहाँ पे आप फैमिली पिक्चर्स ले सकते हैं और व्यू का मज़ा भी ले सकते हैं, आप लोग फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्लेस है, आप लोग विज़िट कीजिए ज़रूर, अगर आप रहते हैं खोबार में और अब तक आप कहीं गए नहीं हैं बाहर, तो आप यहाँ ज़रूर आइए। और ये यहाँ पे माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है। और हम यहाँ अभी मगरिब के टाइम पर आए हुए हैं, कुछ ही टाइम पे अभी यहाँ पे अजान होगी और फिर हम यहाँ पे नमाज़ पढ़कर फिर आगे जाएंगे। यहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं और सी व्यू बहुत प्यारा है, स्विमिंग कर सकते हैं यहाँ पर आप, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। और फिर मैं आगे का बताती हूँ। हमने यहाँ बहुत इंजॉय किया है और अब हमें भूख लग रही है, यहाँ से हम खाने के लिए जाएंगे कुछ अच्छा सा। और अब यहाँ से आप प्यारा सा मंजर देखिए, ये इमारतें देखिए आप, बहुत ही प्यारी है। आप रात के टाइम पे और ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे, ये जगह देखने लायक है, आप ज़रूर विज़िट कीजिए। और अगर आप वहीं पे हैं खोबर में तो आप ज़रूर घूमने जाइए, बाहर निकलिए, एंजॉय कीजिए वेदर को। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी जगह है, राशिद बेकरी है, वहाँ पर हम खाने जा रहे हैं। देखिए, हम राशिद बेकरी को आ चुके हैं, पाकिस्तानी बेकरी, यहाँ पर बहुत अच्छा है, कुछ मिलता है खाने के लिए, चिकन समोसे, यहाँ पर चीज़ समोसे, और यहाँ पर कप सैंडविच है, चिकन सैंडविच और स्वीट्स वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। केक्स वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा है। हमने यहाँ से ऑर्डर किया था, मैं आपको बताऊँगी क्या ऑर्डर किया था। आप मेन्यू पढ़ सकते हो ऊपर पॉज करके। स्वीट्स वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत सारी आइटम है और बहुत अच्छा है। और हमने यहाँ से क्या ऑर्डर किया है हम बताते हैं। वैसे हम दोनों बहनें जब भी यहाँ आते हैं हम यहीं से ऑर्डर करते हैं, हम दोनों को पसंद है। हमने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा यहाँ पर, और फिर हमने ऑर्डर किया है यहाँ पर चिकन ब्रेड, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस हम अब जा रहे हैं हमारे हमारे शहर, जिसे कहते हैं।
Thanks for watching. Subscribe to my YouTube channel and also activate bell icon to get latest videos.